अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। खबर यूपी के जनपद कौशाम्बी से है। चाचाहल ब्लॉक के शेखपुर रसूलपुर ग्राम सभा में रविवार को एमपी पाल इंटर कॉलेज में आयोजित पाल समाज उत्थान हेतु अभियान कार्यक्रम में पाल समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में पहले पूर्व विधायक स्वर्गीय राजू पाल के चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सहभोज का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम कैलाश पाल द्वारा की गई और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामानंद पाल थे। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रामानंद पाल ने कहा कि पाल समाज का कोई भी हो, यदि वो राजनीति में आना चाहता है तो मैं उसे उसके साथ खड़ा हूँ। वहीं कार्यक्रम के व्यवस्थापक संतोष पाल और कंचन पाल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पाल समाज को जागरूक करना तथा शैक्षिक एवं राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करना था। मीडिया से बातचीत करते हुए कंचन पाल ने कहा कि पाल समाज की महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए शिक्षित होना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नन्हा पाल ने कहा कि आज़ादी के समय से ही पाल समाज ने देश के विकास में योगदान दिया है, इसलिए समाज को खुद ही राजनीति ताकत हासिल करनी होगी। यहाँ पर मल्ला जी हैं, यहाँ पर स्कूल के डिग्री कॉलेज में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बात करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है क्या कहना चाहते हैं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यक्रम इस बात का लगाया गया है कि जैसे समाज अभी हमारा बहुत ही पिछड़ा है और पिछड़ने का मेन रीज़न है स्वयं। स्वयं का मतलब जैसे कोई भी इंसान जो है निकल के बाहर नहीं आ रहा, तो थोड़ा नए युग के जो लड़के हैं उनको जो है आगे लाने के लिए जो है और आगे बढ़ने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में आप तो राजनीति के क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल कर चुके हैं और करेंगे भी और नए बच्चों को आगे लाएंगे। कैसे लाएंगे? शिक्षा से जोड़ेंगे उनको, शिक्षा से जब आगे बढ़ जाएंगे तो ऑलरेडी अपने आप ऊपर चले जाएंगे। रामराज पाल जैसा कि आपने आप देखा कि जो कार्यक्रम यहाँ पर है पाल समाज उत्थान हेतु अभियान है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ी कार्यक्रम अभी होना है यहाँ पर, तो प्रणति से सुनील पाल कार्यक्रम है यहाँ सुनने में आ रहा है, काफ़ी लोग अपने अगल बगल पूछ रहे हैं, तो मैंने पूछा कि आपसे प्रश्न किया था कि चुनाव में आने का मकसद है इस समाज है या उत्थान समिति बनी है? जैसा कि उसमें लिखा है पहले से आप देख रहे हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, समाज के उत्थान के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और समाज के उत्थान में एक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कहा गया है कि सभी समस्याओं की चाबी राजनीति है, तो स्वाभाविक है जैसा कि सामाजिक स्तर पर बात होगी, आर्थिक स्तर पर बात होगी, तो राजनीतिक स्तर की भी बात होगी। आपका क्या होगा, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ने का हमारा कोई नहीं है, हम अभी लड़वाने के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे समाज से चुनाव लड़ने आएगा उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जो भी हमारा तन मन धन है उनके साथ न्यौछावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अभी बहुत ही वरिष्ठ समाज में समाजसेवी हैं, पहले उनके साथ हम चुनाव लड़ा लें, उनको विधायक बना लें, उनको लोकसभा सदस्य बना लें, फिर उनके सानिध्य में हम कुछ सीख लें, फिर आगे चल करके देखा जाएगा। मगर आज तो हम लोग सिर्फ पहले पीड़ा जाने, समस्या को पहले जानेंगे तभी निराकरण कर पाएंगे। अभी तो हमने समस्या को ही नहीं जाना है, समस्या को जानने के लिए सभी के बीच में इकट्ठा हुए हैं। पहले हम समाज की आवाज़ को सुने कि क्या उनकी पीड़ा है, उसका क्या हम लोग मिल करके क्या निराकरण निकाल सकते हैं। तो पहला तो हमारा जैसा कि आप मंच पर समाज के विकास, हाँ, समाज देखिए आना है चुनाव नहीं, वो तो हमने बताया कि कई कारणों में एक कारण राजनीति होती है और राजनीति सभी समस्याओं की चाबी है, बिना राजनीतिक उत्थान के सामाजिक उत्थान हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे सभी समाज के लोग कहते हैं वैसे हमारे अंदर भी टीस है कि हम भी कोई ना कोई राजनीतिक कदम उठाएं, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे बीच का ही हो, अगर किसी अदर समाज का आएगा तो उसके साथ वो हमारी क्या कितनी प्राथमिकता को तवज्जो देता है, इस पर हम आएंगे। पहला तो हमारा उद्देश्य हम अपने समाज के बीच के जो हमारे कहने के कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, तो हमारे पांव के कांटे को कौन जानेगा, स्वाभाविक है हम जानेंगे, तो हम अपने दर्द को दूर अपने ही लोगों द्वारा करेंगे। तो पहले तो हम अपने लोग को बनाएं, अगर कहीं हम उस बीच में पीछे रह जाएंगे तो अगर कोई दूसरा हमारे बीच में आता है तो हमारी बातों को कौन तवज्जो देता है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मेरा नाम शेष कुमार पाल। सुनने में आया कि आज आने वाले समय में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सुनने में इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। नहीं,
आज इसकी हमारे समाज की आज पहली बैठक की और इसमें सबसे राय लिया जाएगा और आगाज जो किया गया है अभी आपने आपके लिए मैं सुना है इन्होंने पूछा कि इसमें आप साथ में लिखा हुआ है कि पाल समाज उनकी किसी के लिए वो नहीं है नाम आप हमारे समाज के लोग हैं मुझे आप मुखातिब बना दिए ये मेरी स्वागत है मुझे सब लोगों को धन्यवाद है बाकी यहाँ पे नहीं अभी राजनीति का कोई वारंटी नहीं और हमारे समाज का जो भी राजनीति में नहीं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और आएगा हम उसके साथ हैं तन मन धन से हर तरीके से कोई ये है नहीं कि मैं जो है ये राजनीति के लिए मंच में नहीं मैं मुझको राजनीति किया जाए ऐसा नहीं पाल समाज के ही जो है क्योंकि हमारे भाई लोग बहुत हम लोग एक संगठन करके चल रहे हैं और ले आना जिनको है जो पार्टियां किसी को नहीं हमारे भाई को देगा उसे इकट्ठा होकर उसे जो है वो कर लेंगे क्योंकि हमने देखा अभी नगीना में नहीं देखे होंगे रावण चंद्रशेखर रावण की पार्टी नहीं बनी और उन्होंने अकेले अपने समाज की पार्टी बना करके नहीं अभी नया सांसद बनी 2024 में बहन जी भी जब आई हैं तो वो भी ऐसी आई हैं अगर भाजपा भी आई है 1977 में तो ये भी यही से आई है तो हम अपने समाज को पहले नहीं कर रहे हैं हम सामाजिक नेता बन सकते हैं बोला यह है कि किसी विधायक के मैंने वो नहीं हमारा समाज जिसको चाहेगा जो पार्टी टिकट लेकर के आएगा वो समाज उनके साथ पार्टी की बात हुई है कि समाज का उत्थान पहले होगा राजनीति बाद में होगी बड़े मटेरियल से सुनील साहू देखिए इसमें समाज के उत्थान की बात कही गई है और हमारा समाज आज पिछड़े में तो आता ही पिछड़े में और इसको कितना ऊपर उठाया जा सकता है समाज के जितने हुए आए हुए महानुभाव लोग हैं इनके विचारों को सुन करके ये अभी सूक्ष्म रूप है इसको बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत है जो समाज के योद्धाओं की नायकों की जो उत्थान समिति पहला समारोह है फर्स्ट ये पहला समारोह है वही चायल विधानसभा का है चायल विधानसभा ये आगे तक जाना है ये इसको बहुत आगे ले जाना है और इसमें नवयुवक लोग आगाज हुआ ये आगाज 2027 आगे होगा ये तो अभी सूक्ष्म रूप है इसको बहुत सूक्ष्म रूप दिया जा रहा है ये सूक्ष्म रूप है अब देखिए अभी आगे क्या होता है ये अभी आज तो समाज के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्या नाम आपका ये मेरा नाम कंचन पाल है मैं हालांकि शहर पश्चिमी से हूँ ठीक है आगे इसी क्रम में मौल लोग से बात करते हैं मैं धनराज पाल डिस्ट्रिक्ट मतलब ये जो मंच है आपका पाल समाज उत्थान राजनीति में आने का विचार तो समाज के लिए संगठित हुआ गया है आज समाज सुनाई दे रहा है मैं जो आपका उत्थान समिति है तो उसमें कुछ है राजनीति में आना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है खराब थोड़ी है इकट्ठा हो तो कारण क्या है तैयारी होगी रणनीति तैयार होगी उसी हिसाब से राजनीति सबसे और क्या कहना चाहते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं जो पाल समाज के आए लोग हैं उनको क्या समझ देना चाहते हैं और क्यों ये बनाया गया समाज हमारा संगठित हो यही बहाने इकट्ठा हुआ गया है अब आगे निर्णय लिया जाएगा क्या समस्या है आगे प्रबंधक जी हम और लोग से जो पाल समाज के लोग हैं आपने समारोह बड़ा समारोह जो समारोह है कार्यक्रम आज आयोजित किया आइए बात करते हैं आओ आज जो कार्यक्रम है यहाँ पाल समाज को इकट्ठा किया गया है क्या जरूरत पड़ी देखो जब तक ये पाल संगठन हमारा ये जो बना है हम इसमें हम लोग इकट्ठा होकर जब तक हम राजनीति नहीं करेंगे राजनीति ही एक आगे कड़ी है राजनीति ये पाल समाज इकट्ठा जब राजनीति जब लड़ाई लेते हमारा पाल समाज जब लड़ाई लेता है तो जैसे राजू पाल थे उन्होंने विधायक बने राजू पाल विधायक बनने के बाद जब उनकी तो सारे समाज के लोग आज पाल समाज जिसको चाहता हुई विधायक बनता है और हम लोग इस पाल समाज को इकट्ठा करके हम राजनीति करेंगे जब तक राजनीति नहीं करेंगे तब तक हम आगे ये समिति जो बनी उत्थान समिति ये मतलब राजनीति बिना राजनीति ये कड़ी बिना इसके उत्थान जब समिति बनी उत्थान ये हमारा सब लोग को इकट्ठा करके उत्थान का मतलब ये है हाँ ये मतलब है हम लोग समाज के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे बिना राजनीति समाज के विकास नहीं है बिना राजनीति के कुछ हो नहीं सकता राजनीति एक कुंजी है क्या नाम आपका रमेश पाल प्रधान गणेश आगे इसी कड़ी में हम और लोग से बात करते हैं आज बड़ा प्रोग्राम आपका है आइए
आज बड़ा पर आयोजित लोग हैं, तो यदि ये पाल समाज उत्थान है तो अभियान चलाया गया, कारण क्या है, क्यों चलाया गया ये अभियान? स्वाभाविक है, अगर हम समाज के लोगों के बीच इकट्ठा होंगे तो समाज की ही पीड़ा को पर चर्चा होगी, उसी पर संवाद करेंगे, इसी की संवाद, चूंकि हम लोग दूर दूर रहकर एक दूसरे की बातों को, पीड़ा तो है सबकी, सभी के लोगों के मन में, मगर अपनी पीड़ा को एक दूसरे से बांट नहीं पा रहे हैं, गेट टुगेदर नहीं हो पा रहे हैं, उसी पीड़ा को जानने के लिए, समझने के लिए, दूर करने के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अभी उनके बीच में उनकी सारी पीड़ा को समझा जाएगा, फिर हम किसी न किसी मुद्दे पर पहुँचेंगे। जहाँ तक बात है कि मैं एक आयोजक मंडल का सदस्य नहीं हूँ, मगर इसी गांव का मूल निवासी होने के कारण मुझे कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, ये हमारा गांव है, हम इसके सब कुछ हैं। उसी भावना को कद्र करते हुए हम सभी लोगों ने एक आगाज किया है, आज शुरुआत किया है अभियान का, कि क्या हम लोग अपनी समाज की पीड़ा को जाने, कि हमारे समाज की समस्याएं क्या है, शिक्षा की बात, सामाजिक पीछे होने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जैसे कभी सीनियर स्वजाति बंधुओं ने बताया कि इसका कारण, चूंकि हर इस समस्या की चाबी राजनीतिक कुंजी होती है, तो उस राजनीति में भी किस ओर चला जाए इससे हमारे समाज का उत्थान हो, एक सलाह हो। एक शब्द लिखा हुआ पाल समाज उत्थान, उत्थान मतलब क्या ना, क्या अभी पाल समाज का उत्थान नहीं हुआ? उत्थान का शाब्दिक अर्थ स्वाभाविक है कि उनका विकास कैसे हो उस पर हो। अगर हम बहुत स्तर तक आगे जाने के बाद भी, जैसे एक कहावत है कि दिल मांगे मोर, तो हम अपने समाज को और कैसे आगे ले जाएं, इसी पर सारे लोगों के बीच विचार जानने के लिए और उसका क्या समाधान निकल सकता है, उस समाधान के निराकरण के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। अभी जैसा कि आप का आगमन बहुत जल्दी हो गया है, तो हम अभी अपनी बात को अपने स्वजाति बंधुओं के बीच में रख नहीं पाए हैं, अभी हम उनकी समस्याओं को जानेंगे, फिर सभी लोग मिल करके, जैसे एक संसद भवन में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, सभी के विचार आते हैं, फिर उसका क्या निराकरण हो सकता है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो उनके बीच में उन्हीं से हम अपने इस निराकरण के लिए उनसे बात करेंगे, जो बात निकल कर आएगी उसके क्रम में हम लोग अभी और सभाएं करेंगे और आयोजन करेंगे, हाँ क्या किया जा सकता है, कैसे उत्थान किया जा सकता है, इसी क्रम में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। शेष कुमार पाल, श्रीमान सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ और मेरा मूल गांव है, यहाँ से मेरे पिताजी कई वर्षों तक प्रधान रहे और आगे। जनपद कौशाम्बी का ये ब्लॉक चायल है, ग्राम सभा रसूलपुर है, यहाँ पर पाल समाज के एक बड़ा यहाँ पर समारोह है, इसमें आप देख सकते हैं बैनर है पाल समाज उत्थान है, तो यह अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी पाल समाज के लोग हैं, उनसे हम ये पूछे कि ये जो आपका समिति है, ये जो समारोह है, किस कारण हुआ, तो आज ये आपने जो आयोजित किया है कार्यक्रम, किसके सापेक्ष में है ये? हम चायल विधानसभा से शेखपुर रसूलपुर से, संतोष पाल नाम है हमारा, हम इसको सगल गाँव गाँव जाके एक गाँव से पाँच पाँच लोग, चार चार लोग, अभी सीमित एक संगठन बनाना चाहते हैं, जो संगठन का नाम हमने दिए हैं विधायक राजू पाल को, इनका बैनर तरे हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग इसको अभी चायल विधानसभा से आगाज कर रहे हैं, अभी बहुत छोटी 200 250 300 लोग 500 लोग का हमने मीटिंग बनाए हैं, इसके बाद इधर पूरे जिले से हम आगाज करना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है इसे? उद्देश्य है, हम देख रहे हैं कि हर जगह लोग संगठन बना के बहुत ऊपर बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, राजनीतिक स्तर ऊपर जा रहे हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, जो हमारे चायल विधानसभा से आते हैं, हमने देखे हमारा कोई अगुआ नेता, हमारा जो बहुत सही मदद करने के लिए टाइम से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं है, ये तो ऊपर का मामला है, बहुत ऊपर स्तर का है, ये तो हम नहीं जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन हम इस संगठन को बहुत मजबूत करके, जो अभी चायल विधानसभा से आगाज करके हम सिराथू, मंझनपुर, शहर पश्चिमी, इन लोग को भी सहयोग मांगना चाहते हैं, और माध्यम ये है कि अभी हम लोग एक टीम 25 लोग की हमारी बनाई गई है, जो शुरुआती दौर है, इसके बाद हम ये संगठन 100 लोग का चायल विधानसभा बनाने जा रहे हैं। सामाजिक संगठन है कि सामाजिक सामाजिक राजनीति संगठन नहीं, एक सामाजिक संगठन बनाएंगे, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़े स्तर का काम है, वो आगे बताएंगे लोग कि राजनीति है क्या है, हमारा तो मुद्दा ये संगठन बनाना है, इसको बहुत हद तक तैयार सुनाई दे रहा है कि क्या नाम है, यहाँ पर कुछ लोग आगे राजनीति में, अब राजनीति का आगे उनका क्या है मुद्दा, वो है वो बड़े ऊपर का स्तर है, वो तो हम बहुत आगे से कले में और लोग से हम बात करते हैं जी। ये जो आपका पाल समाज उत्थान समिति बना है, प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या मकसद है इस अभियान का?
अभियान के तो आपके लिए जो स्वर्गीय राजू पाल जी के लिए जो है तुम लेकर के चले 2004 में, स्वर्गीय राजू पाल के बाद हमारे समाज को कोई पकड़ने वाला नहीं। तो आज देखा गया कि नीचे से ऊपर तक जब तक जमीन से आदमी नहीं होता तब तक तो कोई पूछता नहीं, यूज करने के लिए जमीन मजबूत करने के लिए आज ये समाज हमारा जो है जब इकट्ठा रहेगा तो सारे लोग आएंगे। अभी कोई नहीं पूछता। अच्छा, पाल समाज को आप बताइए, किसी को पूछा जा रहा हो तो पाल समाज मिल करके जो अभी उन्होंने अभियान के लिए सोचा है कि हम पांच पांच लेकर के सबको चलेंगे सारे जिले में, अगर ईमानदारी और सच्चाई से अगर ये मेहनत करेंगे तो सारे आकर के नहीं जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामानंद पाल, कलगांव।